हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के बाद आज धुरुआ स्थित प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर पहुंचे हैं। आप देखिए कि प्रोजेक्ट मंत्रालय के ठीक सामने सड़क के किनारे ये यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। आप सभी को पता है कि 626 वैसे अभ्यर्थी जो इतिहास और नागरिक शास्त्र के हैं, इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है और इसी की मांग को लेकर ये पिछले कई सालों से आंदोलनरत हैं और अपनी बात को लेकर मंत्री, विधायक, अधिकारी सभी के पास जा रहे हैं। ये अधिकारी ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं प्रोजेक्ट मंत्रालय के अंदर नहीं चले जाए, उसके लिए यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था अभी काफ़ी तैनात की गई है। अब से कुछ देर पहले विभाग के पदाधिकारी इनके पास पहुँचे थे और इन्हें आश्वासन भी दिया था। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ आश्वासन मिला है। बताएगा कि कौन आए थे मुलाकात में? अभी शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारी लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम कर दिया है, मामला विधि विभाग में है। और कल जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से बात हुई तो जो सचिव महोदय बोलते हैं कि मामला जो फाइल मेरे यहाँ है और यहाँ अधिकारी लोग बोलते हैं कि फाइल विधि विभाग में है। तो ये मैन टू मैन क्यों भेरी कर रहा है? कोई अधिकारी कुछ बोलते, कोई अधिकारी कुछ बोलते, ऐसा क्यों हो रहा है? केवल हमको लगता है बरगलाने का काम चल रहा है। कल जो आप लोग वहाँ शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना पर बैठे थे, तो शुक्रवार तक का समय लिया गया था शायद, इसलिए आप लोग उठे थे, तो फिर अभी यहाँ पर क्यों? उनका कहना था कि देखो ये मामला विधि जहाँ पर है वहाँ पर आप लोग जाइए, मेरे पास क्यों आए हैं? हम मेरे पास आएगा तो हम एक घंटा में आपका फाइल साइन करके भेज देंगे, लेकिन मेरे पास का बात नहीं है। जहाँ फाइल है आप वहाँ धरना दिए, तो जब विधि विभाग यहाँ है तो विधि विभाग में हम लोग आए हुए हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि मामला विधि विभाग के पास है और यही वजह है कि विधि विभाग जो प्रोजेक्ट मंत्रालय में है उसके बाहर ये अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। कई अधिकारी आए हुए थे, बात हुई, क्या लगता है कि बैठना ही पड़ेगा? देखिए, अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात हुई, उनकी बातों में ही कंट्राडिक्शन है। कुछ अधिकारी अलग बोल रहे हैं, कुछ अधिकारी अलग बोल रहे हैं, इसलिए उनकी बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम लोग ने बैठने का ही निर्णय लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आता है तो एक अधिकारी बोलते हैं कि हमने उसको करके कार्मिक को भेज दिया है, लेकिन एक अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, अभी यहाँ शिक्षा विभाग में ही रखा हुआ है। तो हम कैसे माने उनकी उनकी बातों से हम कैसे आश्वस्त हों और उनकी बातों के कैसे मान के हम यहाँ से उठ जाएं? इसलिए हमें उनकी बातों में भरोसा नहीं हो रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द विभाग निर्णय लें और हमें नियुक्त कराने का कार्य करें, अन्यथा हम लोग यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे। मैडम, कब तक बैठे रहिएगा ऐसे? जब तक नियुक्ति नहीं मिलती तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जब तक मतलब हम लोग इस मतलब हम लोग की जो विधि विभाग से फाइल में वापस नहीं भेजा जाता है कार्मिक, और कार्मिक से हमारे जिला नहीं भेजा जाता है, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हम लोग जो भी नेता मंत्री जो भी आते हैं, प्रेस वाले जो भी, हम लोग उन लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्त कराने का प्रयास सबके तरफ से किया जाए। क्यों नहीं सरकार सुन रही है आप लोगों की, क्या लग रहा है? सरकार चाहती ही नहीं है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले। अभी बारिश होगी, कैसे बैठिएगा? कल भी जैसे बैठे हुए थे वैसे आज भी बैठेंगे। तो बिल्कुल, देखिए अपनी मांग पर ये लगातार डटे हुए हैं और कल जो शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर डोरंडा में बैठे थे, आज दुर्गा के प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर बैठे हैं और ये अभ्यर्थी जो है प्रोजेक्ट मंत्रालय की तरफ न बढ़े और उसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। तो दरअसल इनकी मांग जो है नागरिक शास्त्र और इतिहास के जो ये अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, 624 अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर ही पिछले कई दिनों से ये आंदोलनरत हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन्हें शुक्रवार तक इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन वो समय भी बीतने से पहले ये अभी प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर बैठे हैं। देखना होगा कि आखिर आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो इन पर कुछ विचार हो पाता है या नहीं। अपने सहयोगी संजय के साथ सभी सारा द फॉलो ऑफ रांची।